अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स एक नई वीडियो में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स आज आपको बताऊंगा कि चंद सीक्रेट कोड जिसके थ्रू आप मालूम कर सकते हैं कि मेरा सैमसंग फ़ोन जेन्युइन है या फेक है, कोरियन है, चाइना है, कौन सा है। मतलब ऐसे कोड्स है जिसके थ्रू आप मालूम कर सकते हैं कि मेरा मोबाइल कौन से है, ओरिजिनल है, फेक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शेयर करें ताकि हमारी रहनुमाई हो और आपको अच्छी अच्छी सी वीडियो बनाते रहें। तो फ्रेंड्स आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग फ़ोन को चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या चाइना है, कोरियन है, या इसमें कोई फॉल्ट है हार्डवेयर में या बिल्कुल ओके है। तो फ्रेंड्स मैं आपको आज ये सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों वीडियो आखिर तक देखना है क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन फिर नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक देखें और अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको एक कोड बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले जो हमारे पास कोड है वो है *#1234#। तो दोस्तों जैसे मैंने ओके कर दिया इसमें हमें शो कर लेते हैं कि डिस्प्ले का और इसका API इसमें कौन सा इंस्टॉल है। देखिए अभी मेरे पास Airtel है, A105F, ठीक है। तो F बोर्ड है इसमें, T वगैरह नहीं है और नीचे मॉडल लिखो SM810F, ठीक है। DS आप लिखो, इसका मतलब है कि हमारा हमारा फ़ोन डुअल सिम है और CSC का जो वर्जन है वो भी इसमें लिखा हुआ है और CP जो इसकी सॉफ्टवेयर फाइल होती है इसमें वो भी मेंशन है कि इसकी CP कौन सी है और AP कौन सी है। तो ये इसमें ये वर्जन ज़ाहिर हो जाते हैं। इस दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, *#1234#, ठीक है, इससे ये ज़ाहिर हो गया। तो दोस्तों अगर आपके पास चाइना फ़ोन है तो ये कोड वो पिक नहीं करेगा। फ्रेंड्स दूसरे नंबर पे मेरे पास जो कोड है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें डिस्प्ले की हार्डवेयर वर्जन हमें शो करती है। तो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा कोड है इसमें। आपको जो डिस्प्ले इसमें लगी हुई है उसकी हार्डवेयर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगी कि ये कौन सी किस्म की है और कौन सी इसकी वर्जन है। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने सबसे पहले सिंपल स्टार डायल करना है, इसके बाद हैश, इसके बाद ##1234#, *#1234#, ठीक है। तो ये मैंने एंटर कर दिया तो ये सर्विस मोड में चले गया और FTA हार्डवेयर वर्जन रिवर्स 1.0 ये इसकी हार्डवेयर वर्जन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये दूसरे नंबर पर है और तो फ्रेंड्स तीसरे नंबर पर जो कोड है मेरे पास वो है IMEI चेकिंग का। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आजकल के जो फ़ोन आ रहे हैं वो PTAs तस्दीक शुदा कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। आपने सिंपल इस कोड के थ्रू अपने IMEI नंबर मालूम करने और इसके बाद फिर PTA के DRS सिस्टम में, जो इनका DRS सिस्टम है उसमें चेक करना है कि मेरा मोबाइल रजिस्टर है या नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह आप अपने फ़ोन की अपने, तो फ्रेंड्स हम कैसे अपने IMEI को मालूम कर सकते हैं, तो इसका क्या कोड है। एक तो दोस्तों इसका एक लंबा तरीका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने सेटिंग में जाना है और इसके बाद अबाउट में आना है, ठीक है। अबाउट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें दिखाएगा कि इसके IMEI नंबर क्या है, IMEI नंबर 1, IMEI नंबर 2। तो दोस्तों ये जो है
आईएमई नंबर 1 और आईएमई नंबर 2 इसमें मेंशन है, ठीक है। इसके बाद स्टेटस पर जाकर भी आप आईएमई की इंफॉर्मेशन यहां से चेक कर सकते हैं। आईएमई नंबर 1 स्लॉट 1 में जो सिम लगी है वो इसकी है, आईएमई नंबर 2 स्लॉट 2 में जो सिम लगी है उसकी आईएमई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां से भी हम से चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास शॉर्टकट तरीका है वो है कोड के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं, स्टार हैश और इसके बाद 06 हैश, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए ये मेरे पास आईएमई नंबर आ गया, आईएमई नंबर 1, आईएमई नंबर 2 और सबसे नीचे लिखा हुआ है सीरियल नंबर। तो दोस्तों ये आईएमई आप सिंपली इधर से स्कैन करके या कॉपी करके या मैनुअल दूसरे मोबाइल में एंटर करके पीटीए की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये पीटीए से रजिस्टर है या नहीं है। तो अक्सर ये भी होते हैं कि बाज़ फ़ोन को फेक आईएमई लगी हुई होती है मार्केट में, तो के फ्रॉड भी बहुत होते हैं आजकल के जो लोकल मार्केट में सॉफ्टवेयर वाले बैठे हुए होते हैं वो अक्सर मोबाइल की आईएमई को भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने सबसे पहले तस्दीक करनी है पीटीए की वेबसाइट पर, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की वेबसाइट पर। इसके बाद फिर आप लोगों ने मोबाइल को परचेज करना है कि आईएमई दुरुस्त है या नहीं है, और इसके बाद फेक या इलीगल तो नहीं है, मोबाइल चोरी का तो नहीं है। तो यहाँ से आप इस सब इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कोड नंबर 3। फ्रेंड्स कोड नंबर 4 जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपको बताते चलूं कि इसकी जो फ़वाद है वो ये है कि अक्सर हम मोबाइल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, केबल लगा लेते हैं, लेकिन वहाँ से स्क्रीन में शो नहीं होता है और डिटेक्ट नहीं कर लेते, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं हो जाते। तो दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम यहाँ से प्रॉपर इसको सेटिंग नहीं कर पाते। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये कोड दिखा देता हूँ और इसके बाद आप कंप्यूटर के साथ लगा कर आप चेक कर सकते हैं कि आपका कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो गया फ़ोन या नहीं। तो फ्रेंड्स चौथे नंबर पर जो कोड है वो है स्टार हैश 0808 हैश, ठीक है। फ्रेंड्स ये कोड है, यहाँ से USB सेटिंग की मेन्यू ज़ाहिर हो गई। तो दोस्तों यहाँ से हम MTP प्लस ADB में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें हमें मोबाइल मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल प्लस ADB भी इनेबल कर सकते हैं यहाँ से। और सबसे जो मतलब ज़रूरी ऑप्शन है और जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल को लैपटॉप के साथ ताकि हमारा डाटा वहाँ पे शो हो, तो इसके लिए हम MTP प्लस ADB पे क्लिक करके यहाँ पे ओके दबाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये सेटिंग सेव हो गई। तो दोस्तों एक दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार हैश 0808 इसके बाद हैश लगाना। तो फ्रेंड्स ये जो कोड है ये ज़बरदस्त है, क्योंकि कोरियन मोबाइल जितने भी होते हैं ये सेटिंग इस कोड के ज़रिए जो विंडो ज़ाहिर होती है वो कोरियन मोबाइल पिक नहीं कर सकते। तो दोस्तों इससे हम लोग मालूम कर सकते हैं कि फ़ोन जेन्युइन है या कोरियन है, ठीक है। तो व्यूअर्स इसके बाद आप लोगों ने सिंपल हैश लगाने तो ये हमारे पास ये विंडो ज़ाहिर हो जाती है, इसको मैंने ओके कर दिया। फ्रेंड्स जो 5 नंबर पे मेरे पास कोड है वो मैं आप लोगों को दिखाऊं, जिसमें तमाम चीज़ें आप चेक कर सकते हैं कि फ़ोन में कोई मसला है ख़राबी तो नहीं है, इसकी हार्डवेयर को चेक कर सकते हैं प्रॉपरली, इसका कैमरा चेक कर सकते हैं। आप सिंपल कोड को दबाकर मुकम्मल इसकी फ़ोन की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें ये होता है कि आप लोग को एक एक चीज़ एक ही विंडो में सब शो हो जाती है, वहाँ से आप शॉर्टकट तरीके से मुकम्मल मोबाइल की जांच पड़ताल कर सकते हैं कि कौन कौन सा चीज़ इसमें वर्किंग है और कौन कौन सा चीज़ इसमें ख़राब है। दोस्तों कोरियन सेट ये कोड नहीं उठाएगा, सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें ये है कि जो सैमसंग की ओरिजिनल फ़ोन होती है वो इसको पिक करेगा। तो फ्रेंड्स कोड मैं आप लोगों को दिखाऊँ, कोड है स्टार हैश 0 स्टार हैश।
तो फ्रेंड जैसे हम इसको ओके कर लेते हैं, यहाँ से हमारे पास एक विंडो ज़ाहिर हो जाती है। तो इसमें हमें रेड कलर दिखा देते हैं कि रेड कलर में कोई फ़र्क तो नहीं है। इसके बाद ग्रीन कलर हमें शो कर लेते हैं, तीसरे नंबर है ब्लू कलर हमें शो कर लेते हैं, चौथे नंबर पर फ्रेंड जो है वो है रिसीवर। रिसीवर ये है कि जब हम बात करते हैं, अक्सर दफ़ा मोबाइल में ये मसला होता है कि हम बात करते हैं तो दूसरे दोस्त को, दूसरे बंदे को आवाज़ नहीं पहुंचती है, हमारी आवाज़ उसको नहीं पहुंचती है और उसकी आवाज़ हमारे पास आ जाती है। तो ये इसकी जो ख़राबी है वो है रिसीवर की, उसका रिसीवर काम नहीं करते। तो फ्रेंड जैसे मैं इसको दबा लेता हूँ तो यहाँ पर टोन आएगी, जब टोन की आवाज़ आएगी तो समझ लीजिएगा कि मोबाइल के रिसीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर टोन नहीं आई तो इसका मतलब ये ख़राब है। तो उसमें मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, आप देखें, देखिए फ्रेंड्स ये इसमें आवाज़ आ गई, ठीक है। और इसके बाद चौथे नंबर पे वाइब्रेशन है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो अगर इसने वाइब्रेशन कर दिया तो दोस्तों इससे ये ज़ाहिर होगा कि मेरा मोबाइल अभी वाइब्रेशन मोड में है, तो इसका वाइब्रेशन सेंसर बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग है। फ्रेंड्स एक और ऑप्शन इसमें है मेगा कैम, ठीक है, मेगा कैम इसमें हमें दिखा देते हैं कि हमारा कैमरा ठीक है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखो हमारा कैमरा बिल्कुल ठीक है, और ये वॉल के सामने मैंने कर दिए तो ये बिल्कुल हर चीज़ आ रही है, हमारा बैक कैमरा जो है वो बिल्कुल ठीक है, राइट। मैंने एक पिक्चर इस पर निकाल दी और हमारा कैमरा बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग है। तो फ्रेंड्स जो सात नंबर पर है वो है हमारे पास ग्रिप सेंसर, ये सेंसर होते हैं, इससे हमें ये शो हो जाता है कि ये काम कर रहे कि नहीं। ये देखें इसमें मैंने क्लिक कर दिया तो ग्रिप सेंसर काम करने लगा, ठीक है, ये भी वर्किंग है। इसके बाद सेंसर है हमारे पास, जब देखो हम जब बात करते तो मोबाइल को जैसे हम कान के साथ लगा लेते हैं तो यहाँ से इसकी जो लाइट है वो खुद बहुत ऑफ हो जाती है। तो इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि हम जब कान के साथ बात लगा लेते हैं फ़ोन को तो इसकी स्क्रीन खुद बहुत ऑफ हो जाती है, और हम जब जैसे ओपन कर लेते हैं कान से दूर हटा देते हैं तो फेस के सामने कर लेते हैं तो खुद बहुत ये लाइट ऑन हो जाती है। तो फ्रेंड ये भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है इसमें, तो इसके लिए आप इस कोर्ट में आ सकते हैं। और जैसे अगर आप इसकी टेस्टिंग मकसूद हो तो इसके साथ हाथ नज़दीक करें तो ये खुद बहुत इस तरह, ये देखें ये वाइब्रेशन भी कर रहा है और साथ इसकी जो ग्रीन लाइट है वो भी नमूदार हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सेंसर है इसका ये बिल्कुल ठीक है, राइट। फ्रेंड तीसरे एक और ऑप्शन हमारे पास है, इसमें हम टच की टेस्टिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये टच पे मैंने ओके कर दिया तो यहाँ से ये जो जितने भी कॉर्नर है इसको मैं फिल आउट कर लेता हूँ, और इसमें अगर एक भी मतलब एक खाना भी खाली रह गया तो इसमें ये होगा कि हमें पता चलेगा कि टच में कोई प्रॉब्लम है। जब टच में प्रॉब्लम होती है तो एक कॉर्नर भी अगर इसमें खाली रह गया तो समझ लीजिएगा कि फ़ोन के टच में कुछ गड़बड़ है। तो फ्रेंड्स देखें ये बिल्कुल मुकम्मल भर गई है, तो इसकी टच टेस्टिंग भी पास हो गई, तो इसका मतलब इसका टच ओके है। इसके बाद फ्रंट स्पीकर का ऑप्शन है, ठीक हो गया। और इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारे पास एक अहम चीज़ है वो है सबकी। सबकी का मतलब है कि जो हमारे पास मोबाइल है और इसमें वॉल्यूम डाउन बटन हो गया, वॉल्यूम अप हो गया, पावर बटन, और इसके बाद जितने भी ओपन बटन है उसकी टेस्टिंग होती है कि आया हमारे मोबाइल में बटन जो लगे हुए उसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने सबकी पर क्लिक कर दिया और नीचे मैंने डाउन पर क्लिक कर दिया तो ये ब्लू लाइट आ गया, अप पे क्लिक कर दिया तो वाइट आ गया, तो पावर पे क्लिक कर दिया तो ये चीज़ आ गई। तो फ्रेंड इसका मतलब है हमारे जो सब की है वो बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है फ्रंट कैमरा ऑप्शन, देखिए फ्रेंड्स
देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्रंट कैमरा मेरा वर्किंग है और मैंने टेस्टिंग इसकी कर ली और बिल्कुल ये ज़ाहिर हो गया। फ्रेंड इसमें ब्लैक कलर ज़ाहिर होते हैं कि ब्लैक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें ब्लैक चिक चिक होती है तो ब्लैक हो गया। तो फ्रेंड्स ये कोड थी *H0, ये बहुत अहम कोड है। फ्रेंड्स मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि किस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। ये सब फंक्शन *H0*#, ठीक है फ्रेंड्स, ये कोड है और इससे ये सारी चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन बटन तो हक बनता है ना हमारा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें और तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इससे फ़ायदा हो। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।